नमस्कार दोस्तों, आज जायसवाल आप सभी का एक बार मैं फिर से अपनी सी ओ टू चैनल में स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक है, आप लोगों को ए पी एस डिजाइनर सॉफ्टवेयर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आया, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर में यूज़ किया जा सकता है, कौन कौन सा लैंग्वेज सपोर्ट करता है, तो उसी पर आज हम लोग खुल करके पूरा कम्प्लीट बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को, जिन भाइयों को हमारे जितने भी भाई हैं जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। मैंने इसको ज़्यादा ही खुल करके ही टोटल, मतलब जितना जैसे होता है मैं उसको कंप्लीट बता रहा हूँ। इस तरह से हम देखिए, इसको अपने चैनल पर जा करके इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। पहले मैं ये सॉफ्टवेयर फ्री में दे रखा हूँ अपने चैनल पे, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका लिंक अभी वीडियो में भी दे दूँगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड इधर हो रहा है, हमारे पास पहले से ही इंस्टॉल हो रखा है, तो मैं उसको पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। इस तरह से ए पी एस डिजाइनर, ये देखिए हमारा यहाँ पे ए पी एस का आइकन गायब हो गया, ये पूरा इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो ही रहा है, थोड़ा सा समय लेगा, हमारे यहाँ नेट स्लो है। कोई ज़्यादा खास बड़ा एमबी का, ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं है, 35 MB का फाइल है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप लोग इसे बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। वैसे हमारे पास पहले से ही मौजूद है, डाउनलोड हुआ देख लेते हैं। ये देख लीजिए, हमारे पास ए पी एस डिजाइनर सॉफ्टवेयर 64 बिट का हमने डाउनलोड करके रखा है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपको 32 बिट का चाहिए या 64 बिट का, दोनों दे रखा हूँ, आपको जैसा ज़रूरत पड़े आप उस तरह से यूज कर सकते हैं। हम 64 बिट का यूज़ करने वाले हैं, तो हम इसको 64 बिट वाले को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसमें पासवर्ड मांग रहा है, तो हम पासवर्ड इसमें डालेंगे। वीडियो में पासवर्ड दिया हुआ है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ पासवर्ड कैसे है। ए पी एस कैपिटल में सब कोमल 64 इस तरह से। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये देख लीजिए। कई दोस्त बोलते हैं कि इसमें एरर आता है, कोई बोलते हैं डाउनलोड होने के बाद कुछ फाइल ओपन नहीं होता है, मगर मैं इसको बार बार ट्राई किया हूँ, ऐसा नहीं है। एक बार मैं, आप लोग जितने बार बोले, हम उसको खुद दूसरे के फ़ोन में, दूसरे के पीसी में इंस्टॉल करके मैंने देखा, तो बिल्कुल ही वर्क कर रहा था, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ भी एरर, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आराम से हो सकता है। अब देखिए, इसका जो एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसमें जो फाइल पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ऊपर में क्रॉप फॉन्ट दिया हुआ है, इसमें आपको फॉन्ट भी मिल जाएंगे, इसमें अलग से मैंने फॉन्ट नहीं दिया, इसी में है। आप इसमें देखिए मैनुअल मिलेगा, आपको इसको देख के कुछ मैनुअल आपका हेल्प हो जाएगा। आप, मैं वैसे वीडियो बना ही रहा हूँ, तो आपको मैनुअल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें भी देख लीजिए कुछ फॉन्ट पड़े हुए हैं इस तरह से, और ये देख लीजिए इस तरह से फॉन्ट हैं, बहुत काफ़ी ढेर सारे फॉन्ट हैं। चलिए हम पहले सेटअप की ओर चलते हैं, हम नीचे सीधा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आ गया सेटअप, तो आप इसको डायरेक्ट डबल क्लिक कीजिए और यस कर दीजिए। आपको इंस्टॉल करने के लिए पहले आप अपने जो भी सिस्टम में एंटीवायरस यूज कर रहे होंगे आप उसको डिसेबल कर दें, और उसके बाद इसको आराम से डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, आप हमारे नियम और कानून से इनका जो शर्त है, तो हम उनके शर्त को मानते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। आप इसको कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और मैं जहाँ पे होगा ड्राइव, सी ड्राइव में ही होगा, तो वहीं पर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। और सीधा जो एक आइकन बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे, इधर कहीं नहीं करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर
एक बार क्लिक करते हैं और ये हमारा कंटिन्यू इंस्टॉल होना चालू हो गया। अब थोड़ा सा समय लेगा, ज़्यादा कुछ भी इसमें टाइम नहीं लगने वाला है, इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखिए इसमें आप फॉन्ट के बारे में बोल रहा है, आप कौन से फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं। मैं जैसे ट्रू टाइप फॉन्ट्स हैं, TTF करके आता है, और एक और फॉन्ट होता है PFB, तो मैं इस पर जैसे ट्रू टाइप पे सिलेक्ट है तो मैं उसी पे रहने दे रहा हूँ, कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, और इसको ओके कर दे रहा हूँ। ओके ओके ओके, इस तरह से हमारा कंप्लीट होती है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आ गया है APS डिजाइनर सॉफ्टवेयर। अब हम इसको रन करके देखते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये इसके बारे में, मगर फिर भी मैं आज मैं बता रहा हूँ तो पूरा इसका रिव्यू दे दूँगा, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको अगर हिंदी में टाइप करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें तो आ जाएगा हिंदी का अ, तो आप उसे हिंदी टाइप कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश टाइप करना है तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ए आ जाएगा, आप इसे इंग्लिश टाइप कर सकते हैं। अब देख लीजिए दूसरे पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है आपको कौन सा फॉन्ट यूज करना है, जैसे APS का, इंडिका, आकृति, आपको जो भी फॉन्ट यूज करना है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी श्रीलिपि का यूज़ करूँगा तो श्रीलिपि पे तो ऑटोमेटिक एक क्लिक है, श्रीलिपि के जितने भी फॉन्ट हैं वो इसमें वर्क करते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मैंने पिछला और भी वीडियो बनाया है, उसमें श्रीलिपि का पूरा फॉन्ट दे रखा हूँ, लगभग 1000 प्लस कुछ फॉन्ट हैं, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो और इसमें जो आप इसमें देखे थे, मैंने बताया था आपको यहाँ पे फॉन्ट मिलने वाला है इस तरह से, जितने भी फॉन्ट हैं, तो आपको इसको यूज़ करना है तो आप यहाँ से APS पे क्लिक कीजिए। आप उस बहुत ही खूबसूरत फॉन्ट हैं, आप उसको भी यूज में कर ला सकते हैं। तो आप मतलब आपको जो भी फॉन्ट यूज करना है, जिस भी फॉन्ट पे काम करना है, आप उस पर सिलेक्ट कर लीजिए। और आपका यहाँ पे लैंग्वेज पूछता है, आप ये चार भाषाओं को सपोर्ट करता है, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, वैदिक, इसमें दिया हुआ है यानी संस्कृत, तो ये चार भाषा को सपोर्ट करता है, चार भाषा में ही काम करेगा। आप लोग गुजराती यूज़ कर सकते हैं, मराठी यूज कर सकते हैं, हिंदी और संस्कृत। जैसे हमारे कई दोस्त थे जिसमें पूछते थे कि उड़िया सपोर्ट करेगा, बंगाली सपोर्ट करेगा, इस तरह से, तो नहीं, ये केवल चार ही लैंग्वेज सपोर्ट करता है, गुजराती, मराठी, संस्कृत और हिंदी, इस तरह से। अब यहाँ पे इसका लास्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है कि आप किस सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं, आपको इस सॉफ्टवेयर का किस में इस्तेमाल करना है। मैं जैसे ज़्यादातर कोरल ड्रा में यूज करता हूँ, भाई ग्राफिक डिजाइनर वाले बस कोरल ड्रा ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कोरल ड्रा में ही यूज होने वाला है, तो मैं कोरल ड्रा में यूज़ करता हूँ। आप इसको और भी अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे पेज मेकर हो गया, फोटोशॉप हो गया, इस तरह से आप अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। MS वर्ड हो गया, एक्सेस पॉइंट, पावर पॉइंट, MS एक्सेल हो गया, आप इस सब में यूज कर सकते हैं। और आप यहाँ देख लीजिए इसमें डायरेक्ट टाइप करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कीबोर्ड हो गया, स्टार्ट APS कीबोर्ड, इस तरह से आप इसके कीबोर्ड के बारे में जान सकते हैं, इस पर क्या लिखाएगा, इस पर क्या होगा, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। चलिए, बहुत ही कुछ समझ चुके होंगे, अब इसको हम टाइप करके देखते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको कोरल ड्रा ओपन कर लेता हूँ, मेरा कोरल ड्रा यहाँ पे है, मैं कोरल ड्रा 12 यूज कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है, मैं शुरू से ही कोरल ड्रा 12 यूज करता हूँ, तो मेरा लगाव ही कुछ उसका है, नहीं तो मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ, मगर मैंने किया नहीं, मुझे ज़्यादा पसंद है। तो कोरल ड्रा में इसका यूज करके देख लेते हैं कैसे यूज करता है। वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा लंबा हो रहा है, मगर थोड़ा आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आएगा। हम यहाँ पे टाइप करने जा रहे हैं।
तो हमको हिंदी में टाइप करना है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं कौन से लैंग्वेज को टाइप करना है, APS का टाइप करना है। तो हम इसको, और देखिए इसमें टाइप भी करना बहुत आसान है। जैसे आप कुर्तीदेव यूज करते हैं, जैसे टाइप करते हैं कुर्तीदेव का DSEC यल से स, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। सेम उसी तरह इसका भी प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है चेंज। अब इसमें हम APS का जो भी फॉन्ट है, यहाँ पे हमने ऊपर इंस्टॉल करके रखा है, देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत फॉन्ट है। इस तरह से देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लग रहा है फॉन्ट। इस तरह से ये सारे APS के फॉन्ट हैं, इस तरह बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फॉन्ट हैं। चलिए हम लोग APS का देख लिए। अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं श्रीलिपि का, तो हम श्रीलिपि का फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। पहले हम टाइप कर लेते हैं कोमल, इस तरह से, और श्रीलिपि का हम फॉन्ट इस्तेमाल कर लेंगे। ये देख लीजिए, श्रीलिपि का जितना भी है बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। मैंने श्रीलिपि का भी फॉन्ट दे रखा हूँ, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा जिनके पास नहीं है, और जिनके पास हैं तो यूज कर ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए। और जिन दोस्तों को इनके बारे में नहीं मालूम है, जो इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, अपने खास दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। और इसमें ज़्यादा कुछ मतलब कुछ नहीं, बहुत ऐसे दोस्त हैं जिनका हेल्प हो सकता है, मदद हो सकता है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरा चैनल पर आपको पसंद आता होगा तो आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।